हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर। ये क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक है। तो रे डायग्राम ड्रा करने से पहले बाय कन्वेक्स मिरर हम समझते हैं कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर वे वाला स्फेरिकल मिरर होता है जो कि अंदर से तो पॉलिश्ड होता है और बाहर से रिफ्लेक्टेड होता है। तो जल्दी से पहले हम इसे ड्रा कर लेते हैं। इंटरनल सरफेस इसका स्फेरिकल मिरर का पॉलिश्ड होगा और जो इसका सेंटर होगा, जितने कंपास हमने खोल कर से ड्रा किया है, उस सेंटर पॉइंट को स्फेयर के हम लिखते हैं सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबके जो डायग्राम है इसके सेंटर पॉइंट को हम लिख देते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसे लिखा जाता है पोल, यानी कि इसे पी से डिनोट किया जाता है कन्वेक्स मिरर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले मिड वाले पार्ट को लिखते हैं हम फोकस, जो इसका बिल्कुल सेंटर होता है। मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन करके ये ड्रा किया था, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये होगा, यहाँ पर लिखेंगे एफ। तो आप अपनी मर्जी से, आपकी आपकी चॉइस है, आप इसे कम या ज़्यादा रेडियस के साथ ड्रा कर सकते हैं। इसके रे डायग्राम को समझने के लिए हमें इसके 4 रूल्स समझने होंगे जो कि रे डायग्राम पे डिपेंड करते हैं। जब भी कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह फोकस में से पास होती है, अपीयर टू मीट फोकस में। एक्चुअल तो वह सामने की तरफ डाइवर्ज होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये जो रेज है, रेज ऑफ लाइट है, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है, जहाँ पर हमने पी एफ सी लिखा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल आएगी तो ये बैक हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे जो कि फोकस में से पास करेंगे और आगे, और फिर आगे की तरफ बढ़ा देंगे। एक्चुअल ये बाहर रिफ्लेक्ट होकर बाहर ही गई है, लेकिन अपीयर टू मीट फोकस की तरफ हो रही है। और सेकंड रूल है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आए, तो बाहर तो हम डार्क लाइन ही ड्रा करेंगे और अंदर की तरफ जब ड्रा करेंगे तो डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। जब कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो उसी पाथ से वह बैक चली जाती है, जिस पाथ से आई उसी पाथ में यह बैक जाएगी। और अगर कोई रेज ऑफ लाइट फोकस पॉइंट की तरफ आती है, फोकस की तरफ आती है, जैसे हम ये ड्रा कर रहे हैं, बाहर तो डार्क ड्रा करनी होती है, जब भी हम बिहाइंड द मिरर करते हैं तो डॉटेड करते हैं, फोकस की तरफ आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगी बाहर की तरफ, क्योंकि एक्चुअल में तो ये टकराने के बाद बाहर ही गई है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो यहाँ पर एरो, ये इंसिडेंट रेज होगी जो आई है, ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी जो बाहर चलेगी। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल की तरफ आती है, पोल यानी कि जो मिड पॉइंट है कन्वेक्स मिरर का, यानी कि इस पी पॉइंट पर जब रेज ऑफ लाइट आएगी, तो जिस एंगल से ये आएगी, जो भी इसका एंगल होगा, जितने भी एंगल पर यह पी पर टकराएगी, उतने ही एंगल पर यह वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये 4 रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए रे डायग्राम ड्रा करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर से जो भी रे डायग्राम ड्रा होते हैं उसके मेन 2 रूल्स हैं, when object at infinity और when object between infinity and pole। तो यहाँ पर पहले हम ड्रा कर लेते हैं इन दोनों केस को करने के लिए। ये हमारा सेंटर होगा, ये फोकस पॉइंट होगा, इसी तरह से दूसरी तरफ भी डायग्राम ड्रा कर लेंगे और इसका मिड पॉइंट है पोल। अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ये हमने कुछ दूरी पर बना लिया ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी बहुत दूर, और जब इससे जब भी रेस आएंगी वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जब भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो तो जो रेज ऑफ लाइट होती है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं। और हमने रूल किया था जब भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वह फोकस में से पास होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ हमने ऊपर से और नीचे से जो 2 रेज ड्रा की हैं, ये एट इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम एफ से मिला देते हैं डॉटेड। और लेकिन एक्चुअल में आपको पता है ये जो रेज ऑफ लाइट है ये बाहर की तरफ जाएगी।
इसी तरह से जो नीचे की तरफ से पैरेलल रे ऑफ लाइट आई है, ये भी फोकस की तरफ डॉटेड मिला देंगे और बाहर की तरफ इसे रिफ्लेक्ट कर कर बैक सेंड कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब ये दोनों रेस हमें पता है फोकस के पॉइंट पर मीट करी हैं। अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि इसकी पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज क्या है। हमें पता है कि जो जो ये इमेज है इसकी पोजीशन देखो तो बिहाइंड द मिरर और एट फोकस, ये पोलिश वाली साइड की तरफ हमें दिख रही है, अंदर दिख रही है। इसका साइज पॉइंट साइज है और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल हम उस इमेज को बोलते हैं जब वह बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और इसका जो साइज है बहुत छोटा है, यानी कि ये पॉइंट साइज है। अब हम ड्रा करते हैं जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच किसी भी पॉइंट पर, ये जब ऑब्जेक्ट हो एनी पॉइंट पर, यानी कि इन्फिनिटी से पहले या पोल के बाद है, तो ये यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया। तो इसके लिए वही रूल लगेगा कि पहले जो फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट होगी यह है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे। ये रे ऑफ लाइट हम एरो ड्रा कर रहे हैं कि ये इधर की तरफ आ रही है, और हमें पता है बाद में ये फोकस की तरफ जाती हुई अपीयर होती है। डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद बैक, और बाहर की तरफ हम डार्क लाइन ड्रा करेंगे, सिंपल लाइन कहने का मतलब ड्रा करेंगे। और सेकंड इसका जो रूल था वो था कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो उसी पाथ से वह बैक चली जाती है। तो ऑब्जेक्ट के हेड से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे, ऑब्जेक्ट के हेड पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो बाहर की तरफ तो सिंपल लाइन ड्रा करेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डॉटेड लाइन ड्रा की जाएगी। अब हम देखें तो बिहाइंड द मिरर, यानी कि राइट साइड दो लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं वहीं पर इमेज ड्रा की जाएगी। तो ये इमेज बन गई जिसका कि साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिखाई दे रहा है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं इसकी पोजीशन, साइज और नेचर बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, ये पी एंड एफ पॉइंट के बीच में बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड यानी कि स्मॉल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है इमेज। नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि जब भी बिहाइंड द मिरर बने तो वह वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इस तरह देखें तो दोनों केस में जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है या तो पॉइंट साइज इमेज बनी और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और जब बिटवीन एफ एंड पी है तो भी इसका जो साइज है जो पी एंड एट इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का जो साइज होता है वह छोटा होता है ऑब्जेक्ट से और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।